मेरे प्यारे भाई बहन, आज ईसा मसीह हम लोगों को ईश्वर के सम्मान के कामना करते हुए एक जिंदगी जीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए ही संत योहन का सुसमाचार पांचों अध्याय और 44 वाक्य में वह कहते हैं कि तुम लोग एक दूसरे के सम्मान चाहते हो, परंतु वो सम्मान नहीं चाहते जो ईश्वर से आते हैं। आज हमें अपने जिंदगी में ईश्वर से आने वाले उसी सम्मान के कामना करते हुए हमारा जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अब सवाल यह आ जाता है कि ईश्वर का सम्मान प्राप्त करने के लिए मुझको अपने जिंदगी में क्या करना चाहिए। ईश्वर के सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें उन्हीं का स्तुति गान करना चाहिए, उन्हीं का महिमा बिखाने वाला एक जिंदगी अपने जिंदगी जी के दिखाना चाहिए। इसलिए कि संत पौलुस सबसे कहते हैं कुरुंते के नाम पहला पत्र 10:31 वाक्य में कहते हैं, आप लोग खाए पिए और जो कुछ भी करें वो सब ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। ईसा मसीह ने भी अपने पहला प्रार्थना में हम लोगों को यही सिखाया है, ये हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि उसी प्रार्थना के पहला वाक्य में ही हमसे यही कहा है कि उन्हीं का नाम का पवित्र माना जाए। उसी प्रकार दस आज्ञाओं में पहला आज्ञा ही हम लोगों को ईश्वर की आराधना करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आज प्रभु के दिव्य सानिध्य में रहते समय उन्हीं के सम्मान प्राप्त करने के लिए, उन्हीं की स्तुति करने वाला, उन्हीं की आराधना करने वाला एक अच्छे सच्चे क्रिश्चियन बनकर हमारी जिंदगी में आगे बढ़े। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सबको यीशु।